अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूल के अंदर रेशा आना, उस हवाले से है। एक दो दोस्त है जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई वीडियो को अपलोड कर दें। तो दोस्तों, जो पहाने के अंदर रेशा आता है या पहाने के अंदर जिस तरह कोई जीली कोई निकल के आती है, उसमें सबसे बड़ी जो काजेज होती हैं उसमें सबसे पहली काज अमीबा पैरासाइट है। बाज़ दफ़ा इंसान को जब अमीबिक डाइसेंट्री होती है तो उसमें स्टूल के अंदर पहाने के साथ म्यूकस खारिज होती है, जिसकी वजह से फील होता है कि पहाने के साथ रेशा आ रहा है। इसके अलावा अगर मरीज डायरिया के अंदर मुबतला हो, एंट्राइटिस के अंदर मुबतला हो या किसी और डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज के अंदर मुबतला हो, तब भी बाज़ दफ़ा पहाने के साथ हमें म्यूकस देखने को मिलती है, रेशा देखने को मिलता है। अगर हम अमीबिक डाइसेंट्री की बात करें तो दोस्तों, उसकी ट्रीटमेंट इंतहाई आसान है। उसमें हम मरीज को मेट्रोनिडाजोल TDS में 400 mg अगर अडल्ट हो तो वो शुरू करते हैं और विदिन 2 to 3 डेज मरीज बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। और अगर इंट्राइटस वगैरह हो तो उसका उस हिसाब से, उसके सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीट किया जाता है और मरीज के अंदर जो अलामत हैं यानी कि पहाने के अंदर रेशा आना, वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बाज़ दफ़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब मरीज को स्टूल के साथ रेशा आ रहा हो या म्यूकस आ रहा जो के आ रही हो। बाज़ दफ़ा इस रेशे के साथ खून की मिक्सिंग, खून का मिक्सचर भी आता है जिसमें स्टूल के साथ रेशा और साथ साथ ब्लड भी आता है। लेकिन चूंकि मेट्रोनिडाजोल या अमीबिक पैरासाइट को किल करती है, अमीबिक डाइसेंट्री की वजह से आ रहा हो तो मेट्रोनिडाजोल उसे किल कर देती है, जिसकी वजह से मरीज मुकम्मल ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर डायरिया हो तो मरीज के डायरिया को ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूल के साथ रेशा नहीं आता। और इसके अलावा जैसे कि आगे मैं बता चुका हूँ, एंट्राइटस या डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनकी कोई डिजीज चल रही हो, उनका कोई मसला चल रहा हो, तो उसमें मरीज को उसकी डिजीज के हिसाब से जो उसके लिए सूटेबल मेडिकेशंस होती हैं वो की जाती हैं और मरीज जो है मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। दोस्तों, अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हम डाइसेंट्री को, कलकेरिया काफ, ईपी काफ, ये ऐसी अद्वियात हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और उनके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मरीज को स्टूल के अंदर म्यूकस, स्टूल के साथ ब्लड, ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, स्टूल के साथ म्यूकस आना, रेशा आना कोई खतरनाक बात नहीं, इनका इलाज मुकम्मल हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा स्टूल आ रहे हों, उसके अलावा मरीज़ को ब्लड आ रहा हो, तो मरीज़ को अनीमिक होने के, डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी मरीज़ को डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई डिजीज़ होती है, जैसे कि स्टूल बार बार आता है या लूज स्टूल्स का सामना करना पड़ता है या मरीज को स्टूल के साथ ब्लड आ रहा हो, तो मरीज को उसकी जो सिम्टम्स हैं, उसकी जो चीफ कंप्लेंट्स हैं, उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है और मरीज को सेहतयाब कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर डाइट के हवाले से बात करें तो जिन दिनों में मरीज को इन मसाइल का सामना हो, मरीज को लाइट गजाएँ लेनी चाहिए, सूद हजम गजाएँ लेनी चाहिए, पतली गजाएँ लेनी चाहिए ताकि वो आसानी के साथ हजम कर सके और जल्दी हजम कर सके। इसके अलावा जो स्पाइसी फूड्स होती हैं, जंक फूड्स होती हैं या होटलिंग होती है, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों से अवॉइड करे तो उसकी बीमारी के अंदर बहुत बेहतरी देखने को मिलती है। दोस्तों, चाहे स्टूल के अंदर म्यूकस आ रही हो, ब्लड आ रहा हो, सबसे ज़रूरी होता है कि मरीज़ को रिहाइड्रेट रखा जाए, यानी कि मरीज़ को नमकियात की, पानी की कमी ना होने दी जाए। हमको चाहिए कि जब भी मरीज़ किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डिजीज़ के अंदर सॉरी, मुबतला हो और स्पेशली उसमें अगर मरीज़ को स्टूल्स आ रहे हैं
मरीज वॉमिट कर रहा हो तो इस सूरत में मरीज को रिहाइड्रेट रखें। या तो घर बना के ORS दिया जाए, घर में पानी, चीनी, नमक, फिल्टर्ड पानी लेके उसको मिक्स करके मरीज को पिलाया जाए, या बने बनाए मार्केट से ORS के साशे आ जाते हैं जिसको 1.5 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके वक्तन फवक्तन मरीज को पिलाते रहना चाहिए ताकि मरीज रिहाइड्रेट रहे। अगर मरीज रिहाइड्रेट रहे तो उसको बीमारी से क्योर करने में और इसके अलावा मजीद कम्प्लिकेशन से जाने से बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मशगूल हो सके। शुक्रिया।